आयतुल्लाह अल-उज़्मा मिर्ज़ा मोहम्मद तकी शिराज़ी कुदसरा का मरज़े आले जहान तशय्यु हज़रत आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद सादिक हुसैनी शिराज़ी दामाज़िलो के कलाम में तज़किरा। 20 रबीउल थानी बरतानवी हुकूमत के ख़ानदान फ़काहत शिराज़ी से दूसरी बड़ी शिकस्त। तकरीबन एक सदी पहले इसी दिन यानी 20 रबीउल थानी 1337 हिजरी को हज़रत आयतुल्लाह अल-उज़्मा मिर्ज़ा शेख मोहम्मद तकी शिराज़ी कुदसरा मरज़े आले जहान हज़रत आयतुल्लाह अल-उज़्मा हाज सैयद सादिक हुसैनी शिराज़ी दामाज़िलो के वालिद की तरफ से मामूं, जिनके अजीम सादिर शुदा फतवे ने बरतानवी अजीम फितना अंगीज और जालिम हुकूमत के पैर लड़खड़ा दिए। बरतानवी हुकूमती अहलकार कोशिश कर रहे थे कि फरेबकारी, चालाकी और अपनी मकर की सियासत से इराक जैसी मकाम और बेदार कौम को धोखा दें। अपने मख्फी नाजायज़ फवायद के हुसूल के लिए आज़ादी और इंतखाबात के नाम पर इराक की मुस्तकबिल की सियासत को तबाह करें। इस गर्ज़ से बरतानवी इस्तेमार ने पूरे इराक में ऐलान कर दिया कि वो चाहते हैं कि इराक को आबाद करें और उनकी फलाह बहबूद के लिए कोशा रहेंगे, यहां तक कि उनके तमाम मसाइल को हल करेंगे। आयतुल्लाह अल-उज़्मा शेख मोहम्मद तकी शिराज़ी कुदसरा ने बरतानवी अहलकारों की इस फरेब और नापाक इरादे के खिलाफ हिम्मत की कमर बांधी। इम्कानात की कमी लेकिन जबान में तासीर थी, लिहाजा उन्होंने इस अजीम फतवे को सादिर कर दिया। सिर्फ एक जुमला फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं कि वो किसी गैर मुसलमान को मुसलमानों के ऊपर हुकूमत और सल्तनत के लिए इंतखाब करे। 20 रबीउल थानी 1337 हिजरी मोहम्मद तकी हायरी शिराज़ी महल मुहर मुबारक। तकरीबन एक सदी पहले आयतुल्लाह अल-उज़्मा शेख मोहम्मद तकी शिराज़ी कुदसरा की मुहिम बाबरकत और बासमर फतवे ने फासिद और फाजिर अंग्रेज़ों को इराक से बाहर निकाला बल्कि उनका मुकम्मल सफाया कर दिया, क्योंकि ज़माने में अंग्रेज़ों की चाल थी कि चालाकी और इंतखाबात के बहाने इराक पर काबिज़ हो जाएं और मुसलमानों पर हुकूमत करें। लिहाजा मिर्ज़ा शिराज़ी हाज शेख मोहम्मद तकी कुदसरा ने फतवा दिया कि मुसलमानों पर जायज़ नहीं कि गैर मुस्लिम को हुकूमत के लिए इंतखाब करें। इंग्लिश गवर्नमेंट का इराक में इंतखाबात कराने का मकसद ये था कि महज लोगों को धोखा और फरेब देकर जम्हूरियत की तरफ राग़िब करें, जिसका असल मकसद ज़मीना फराहम करना था कि वो आश्कार तौर से इराक पर हुकूमत कर सके। लेकिन मिर्ज़ा शिराज़ी के मुफीद फतवे की बदौलत पीछे हटने पर मजबूर हुए और जो कुछ उन्होंने सोचा था इन सबको खाक में मिला दिया। दीनी मर्जियत की पैरवी जाबिराना निज़ाम पर कामयाबी का राज अहले बैत अस्मत व तहारत अलैहिम सलाम की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई की बदौलत और वही इलाही ने शिया मर्जियत की बुनियाद रखी। मासूमीन अलैहिम सलाम ने असर गैबत में जामे शरायत मर्जियत की, अहकाम दीनी व दुनियावी में तकलीद व तबीयत का हुक्म दिया बल्कि इससे पहले भी मुतवातिर बयान फरमाते रहे। फरमाया, अनहुम हुज्जति अलैकुम, वो हमारी तरफ से तुम लोगों पर हुज्जत है। इस वजह से ज़माने खैबत कुबरा में मरहूम मिर्ज़ा सैयद मोहम्मद हसन शिराज़ी, जो कि मिर्ज़ा बुज़ुर्ग और साहिब फतवा तहरीम तंबाकू के नाम से मारूफ हैं, उन्होंने ज़माने के अजीम फितरंगेज़ इस्तेमार जो कि तंबाकू की फैक्ट्रीज के बहाने से ईरान में दाखिल होकर अपने जाबिराना राज को ईरान में नाफिज करवाना चाहते थे, इनको जिल्लत और ख्वारी की हालत में ईरान से बाहर निकाला। इसी तरीके से मरहूम मिर्ज़ा शेख मोहम्मद तकी शिराज़ी, जो कि रहबर इनकलाब इराक के नाम से मशहूर हैं, उनके मशहूर व मारूफ फतवे और शियान इराक जिन्होंने उनकी पैरवी की, जिनमें शामिल थे औजात, अलमिया, यूनिवर्सिटीज, अशायर, मजदूर और ताजर। इस ज़माने के सबसे बड़ी इस्तवारी क़ुव्वत जिन्होंने इराक को फौजी एतबार से ख़राब किया था, ज़िल्लत और रुसवाई और बहुत बड़े नुकसानात के साथ इराक से निकाला गया। जी हाँ, शिया मर्जियत ने आधी सदी से भी कम वक्त में उन दो मुसलमान ममालिक यानी ईरान और इराक को नहायत ही कम जमीयत और ताकत रखने के बावजूद
निजात दिलाई। आज शिया हौजात इल्मिया जो कि एक अजीम ताकत मर्जियत के हाथ में है, जिनसे काफी काम किए जा सकते हैं। मिर्जा शिराजी ने एक फतवे से दुनिया की ताकतवर तरीन ममलिकत को शिकस्त दी। ये अहले बैत अलैहिम सलाम की पैरवी का नतीजा है कि मानवी और मादी कुदरत को बातकवा शिया मर्जियत के हाथ में दी गई है। ईरान और इराक से इस तबार को बाहर निकालना गदीर का वाज़े नतीजा है कि मर्जियत के महज एक फतवे और एक कलाम ने इराक और ईरान से इस तबार को बाहर निकाला। रहबरे इनकलाब 1920 ईस्वी की ज़िंदगी पर रोशनी की ज़रूरत। मरहूम आयतुल्लाह अलुज़्मा मिर्ज़ा शेख मोहम्मद तकी हायरी शिराज़ी कुतसरा की ज़िंदगी का मुतालिया करें। वही जिन्होंने 1920 में बरतानवी हुकूमत के फासिद इरादों के मुकाबले के लिए इराकी आवाम में एहसास बेदारी पैदा किया और रहनुमाई फरमाई। उनकी ज़िंदगी ज़ुहद तहक़ीक और इल्म से पुर थी। उनको इस आयत की मिस्ताक करार दिया जा सकता है, लमन सबरा व गफरा, सूरह शूरा आयत नंबर 43। वो लोग जिन्होंने सब्र और बख्शिश की, यानी दूसरों के मुकाबले में सब्र और तहम्मुल करना और हर वक्त माशरे के मुख्तलिफ मुश्किलात को तहम्मुल करना। उनकी ज़िंदगी में वारिद है कि बरतानवी फितनांगेज़ हुकूमत को इराक में नाकाम करने की जिम्मेदारी अकेले उन्होंने उठाई, लेकिन इसमें उन्होंने तमाम उलमा व फुकहा से मदद ली ताकि बरतानवी फितने के खिलाफ हौजे और इराकी अशायर को इकट्ठा और मुत्तहिद करके मुकाबला कर सकें। दरहाल ही के बरतानवी नौबादियाती निज़ाम इस ज़माने में दुनिया का सबसे पुराना नौबादियाती निज़ाम माना जाता था और ये लोग अपने मुल्क को बरतानिया अजीम के नाम से याद करते थे। उनका दावा था कि सूरज उनकी हुकूमत में ग़ुरूब नहीं होता, जिसका मतलब ये था कि पूरी दुनिया पर उनका तसल्लुत है। इराक जो कि खुद सितम दीदा और कमज़ोर हुकूमत थी, लेकिन उस ज़माने में दुनिया की सबसे बड़ी क़ुव्वत के साथ जंग की और उनको पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ये सब कौम के ईमान, मरजाए दीने के ज़ेर साया, उनका इत्तेहाद और यकजहती और मरजियत की रहनुमाई पर अमल करने का नतीजा था और वो नूरानी मर्जा मिर्ज़ा मोहम्मद तकी शिराज़ी की शक्ल में मौजूद था। अलबत्ता दीनी मरजियत की रहबरी भी लोगों के इत्तेहाद की वजह से एक ऐसे मकाम पर पहुंची जहां उन्होंने इराकी आवाम को फसादियों के मुकाबले में आमादा किया और उनकी बेहतर तरीके से रहनुमाई की, यहां तक कि उनको एक अजीम क़ुव्वत के मुकाबले में फतह से हमकिनार किया और आज इराक कामयाबी तक पहुँच सका। शेख मोहम्मद तकी शिराज़ी की तारीख में जब वो बरतानवी फासदीन से लड़ रहे थे, मिलता है कि इराक के अंदर कुछ लोग थे जो बरतानवी हुकूमत से मजदूरी लेकर उनके सहूलतकार बने हुए थे। ये अफराद लोगों के लिए आश्कार हो चुके थे। जब इनसे मुतालबा किया जाता था कि इन गद्दारों की तनख्वाहें काट दें तो वो कबूल नहीं करते थे। ये ईमान, सब्र, तहम्मुल, मोमिनीन को मुत्तहिद करना और इख्तलाफात से उनको बचाना, बावजूद इसके कि नज़रियाती इख्तलाफात और सकाफ़ती इख्तलाफात मौजूद थे, यही सब वजूहात थी कि इराकी अवाम के साथ मिलकर उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी क़ुव्वत को शिकस्त दी और उन पर कामयाबी हासिल की। मरहूम आयतुल्लाह अलुज़्मा हाज शेख मिर्ज़ा मोहम्मद तकी शिराज़ी अहले इल्म के लिए मुनासिब नमूना अमल। हमारे वालिद मरहूम, हमारे मामू मरहूम आयतुल्लाह अलुज़्मा हाज शेख मिर्ज़ा मोहम्मद तकी शिराज़ी कुतसरा, जो कि 1920 में ममलकत इराक के रहबर थे, फरमाते थे कि आयतुल्लाह अलुज़्मा मिर्ज़ा मोहम्मद तकी शिराज़ी कुतसरा कभी भी बेटों को अपने ज़ाती काम की जिम्मेदारी नहीं देते थे। कभी कभार उनको बुढ़ापे और कमज़ोरी की वजह से उठने में दिक्कत होती थी, लिहाजा अहले खाना ने एक शख्स को मामूर किया ताकि उनकी मदद करता रहे और उन्होंने कहा कि ये शख्स जो भी काम करेगा उसके बदले में इनको हक़े ज़हमत दी जाएगी। फौतगी के 6 माह बाद उस शख्स ने मरहूम शिराज़ी के अहले खाना से कहा कि इस दौरान इस अजीम शख्सियत ने हत्ता कि एक काम भी मेरे सुपुर्द नहीं किया था।
لہٰذا ان کو خدمت سے رخصت دی گئی۔ اس عالم مجاہد شخصیت نے عراقی مسلمان لوگوں کی رہبری کے علاوہ برطانوی بہت بڑی فتنہ انگیز استعمار کو بھی اسلامی عراق سے باہر نکالا۔ متواتر اپنی تہذیب و تزکیہ نفس، بلند ہمت اور عملی اخلاق کے ساتھ لوگوں کو تقوی الہی کی دعوت دیتے تھے۔ حقیقتاً اہل علم کے لیے وہ ایک نمونہ ہیں۔